मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब होने के बावजूद भी तुम मुराद की सपोर्ट में क्यों खड़ी हो। कब तक रूही और मुराद को लेकर तुम्हें कितने शुभात थे, आज जब सब क्लियर हो गया तो वो तुम्हें गलत नहीं लग रहा? वजी, मैं मुराद को गलत ही समझ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत नहीं है, मैं सिर्फ उन दोनों के रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। और वो उस रूही को नाकाम होते देखना चाहती हूँ, जिसका पहले दिन से सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरीके से अनीशा को मुराद की जिंदगी से अलग कर दे। अनीशा इस वक्त मेंटली बहुत अपसेट है। मैं उसे रूही की चालाकियां नहीं दिखा सकती, नहीं समझा सकती उसे। कम से कम आप तो अपनी आंखें खोलें। मेरे होश उड़ गए हैं निमल, और तुम आंखें खोलने की बात कर रही हो? एग्जैक्टली यही कह रही हूं मैं आपसे। इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, आपको मुराद का धोखा नजर आ रहा है, पर अनीशा की खुशी नहीं। ये वो मुराद नहीं है निमल। जिसके साथ अनीशा की खुशी थी, जिसके बिना वो सांस तक नहीं ले पाती थी,